हेलो, आज मैं आपको बताने वाला हूँ NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के प्री सपोजिशंस के बारे में, उसकी अगली कड़ी, मतलब उसकी जो मान्यता है NLP की, जो धारणा है उसके बारे में। तो अभी तक हमने जो देखा प्री सपोजिशन, उसमें यह था कि मैप नंबर एक, मैप इज नॉट द टेरिटरी, है ना, वो हमने पहले देखा। फिर हमने उसमें देखा कि यू ऑलरेडी हैव रिसोर्सेज यू नीड। फिर हमने तीसरा देखा कि 1% कैन डू इट, यू कैन ऑल्सो लर्न टू डू इट। फिर चौथा देखा, हैविंग ए चॉइस इज बेटर देन नन। फिर पांचवा देखा, पीपल वर्क परफेक्टली, नो वन इज रॉन्ग। छठवा है, एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन, मतलब हर जो बिहेवियर है, हर जो बर्ताव है, उसके पीछे कुछ ना कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण है, या सकारात्मक उसका इंटेंशन है, या उसको मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसे सकारात्मक सोच है कि भाई वो मतलब उसका ऐसा इंटेंशन है कि इसमें से कुछ ना कुछ अच्छा निकलना चाहिए करके। सो एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। अब ये होता है कि एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन, जो भी कुछ हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा है। हम बोलते थे ना पहले कि जो भी हो रहा है उस अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा। तो जो भी आपका बर्ताव है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा होने के लिए वो हो रहा है, उसके पीछे कुछ तो कुछ ऐसा कारण है कि जिसमें से कुछ ना अच्छा निकल जाएगा, या उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण कभी है। फॉर एग्जाम्पल, समझो आपको हेडेक हो रहा है, सरदर्द। अब एवरी बिहेवियर हैज ए पॉजिटिव इंटेंशन। अब सरदर्द हो रहा है, इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन है, इसके पीछे क्या सकारात्मक सोच है, क्या कारण है सकारात्मक? आपको लगेगा ये तो क्या है, ये सकारात्मक थोड़ी नकारात्मक हो गया, सरदर्द हो रहा है। तो आपको सरदर्द हो रहा है, इसका मतलब आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो आपके बॉडी को सिग्नल दे रहा है, सूचनाएं दे रहा है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है बॉडी में। हो सकता है कि आपकी नींद नहीं बराबर हुई, हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, हो सकता है कि आपकी थकान बहुत हो चुकी है, हो सकता है कि आपको तनाव बहुत आया हुआ है, मतलब वो आपके बॉडी को सिग्नल दे रहा है सरदर्द के माध्यम से कि अभी आपको आराम की जरूरत है, या अभी आपकी तबीयत बराबर नहीं है, कुछ तो भी गड़बड़ है, तो अभी आप कुछ ना कुछ तपास कर लो, इन्वेस्टिगेशन कर लो। तो कुछ भी बिहेवियर हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। समझो आपको ऐसा लग रहा है कि स्लीपीनेस है, मतलब ऐसे नींद आ रही है, या ऐसा मतलब बहुत आलस आ रहा है, अभी इसके पीछे क्या है? क्योंकि ये आलस आ रहा है, या नींद आ रही है, या काम करने में इच्छा नहीं है, इसके पीछे पॉजिटिव इंटेंशन क्या है? ये क्यों हो रहा है भाई, है ना? क्योंकि कुछ लोग हमारे पास में आते बोलते बहुत ही नींद आ रही है, या कोई काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, या पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, या फिर बहुत आलस आ रहा है। अच्छा, ये बिहेवियर है, बर्ताव है। अब इसके पीछे क्या पॉजिटिव इंटेंशन है सोचो। इसके पीछे ये हो सकता है कि जो काम आपको करना चाहिए, जो काम आपको करने के लिए दिया हुआ है, वो काम करने में आपको हो रहा दर्द, वो काम करने की नहीं इच्छा। फिर अभी क्या करेगा अनकॉन्शियस माइंड, अभी आपको लाएगा नींद, अभी आपको लाएगा आलस, अभी आपको लाएगा लॉस ऑफ इंटरेस्ट, और आप बोलेंगे नहीं मेरे को इंटरेस्ट नहीं, मेरे को आलस आ गया। तो आलस भी आ रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। जो भी बर्ताव आप करें उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। हाँ, बोलते किसने हमको कुछ बुरा बोला, तो हाँ उसने बुरा बोला मुझे, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंशन है, सकारात्मक सोच है। अब वो कैसा हो सकता है? उसने जो मेरे को बुरा बोला वो उसके दृष्टिकोण से बुरा बोला, उसने उसका जो उसकी जो दिमाग में अंदर प्रतिमा जो है, जो मैंने पहले बोला PIR पॉजिटिव इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, दिमाग की प्रतिमा, वो दिमाग में जो प्रतिमा बनी हुई है उसके हिसाब से उसने कुछ ना कुछ मुझे बोला, और वो बुरा मुझे लगा। उसको तो बुरा नहीं लग रहा, उसको तो अच्छा लग रहा है। उसने गाली दिया तो उसको तो अच्छा लग रहा है क्योंकि उसने मेरे को गाली दिया, मुझे बुरा लग रहा है। तो जो भी सामने वाला कर रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा इंटेंशन है उसके लिए, सामने वाले के लिए, मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए जो हो रहा है वो मेरा अनकॉन्शियस माइंड भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंशन से वो कर रहा है। तो ये समझ के चलो कि एवरी बिहेवियर, जो भी बर्ताव हो रहा है, जो भी बर्ताव हो रहा है, कुछ ना कुछ उसके पीछे अच्छा कारण है, या उसके पीछे कुछ ना कुछ ऐसा इंटेंशन है, है ना, कि भाई सोच है कि भाई वो अच्छा होना चाहिए करके वो हो रहा है। तो ये NLP का बिलीफ
और ये बिलीव हम लाते तो देखो कितना सारा फायदा हमारा हमारी जिंदगी में हो जाएगा, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि नहीं ये जो कर रहा है ये फजूल है, कोई कारण नहीं है। तो हमको ये देखना है आजू बाजू में, हमारे बिहेवियर में, लोगों के बिहेवियर में, कि ऐसा बिहेवियर कर रहा है या ऐसा बर्ताव कर रहा है, इसके पीछे जरूर कुछ ना कुछ सकारात्मक सोच है, या जरूर अनकॉन्शियस माइंड की सकारात्मक सोच है, जरूर कुछ ना कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण है उससे वो ऐसा कर रहा है, भले ही वो सामने वाला व्यक्ति उसको प्रेजेंट हो या ना हो। तो ये जो है ये प्रिंसिपल, मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये पेन और प्लेजर प्रिंसिपल पे चलता है, पेन प्रिंसिपल प्लेजर प्रिंसिपल। मतलब कोई भी बिहेवियर जो है वो बिहेवियर एक तो दर्द हो रहा है करके वो करेगा नहीं, या दर्द हो रहा है करके करेगा कोई ना कोई बिहेवियर। मतलब अभी मैं ये चेयर से उठता हूं तो ये मेरा बिहेवियर क्यों है, क्योंकि मेरे को खिला चुभ रहा है तो मेरे को दर्द दूर करना है, तो मैं अभी बिहेवियर कर रहा हूं कि मैं उठ जाऊंगा क्योंकि खिला चुभ रहा है। तो एक तो दर्द जो है वो हटाने के लिए वो मेरा बिहेवियर होगा, या फिर प्लेजर के लिए मतलब खुशी के लिए मैं बिहेवियर करूंगा। मतलब एक तो मुझे अच्छी खुशी मिल रही है करके मैं बर्ताव करूंगा, या मुझे दर्द से दूर भागना है या दर्द नहीं होने देने का है इसलिए बर्ताव करूंगा। होल हमारा बर्ताव जो है वो पॉजिटिव एंड निगेटिव जो है वो प्लेजर प्रिंसिपल और पेन प्रिंसिपल, इसके आगे पीछे घूमते रहता है। सो ये बहुत ही पावरफुल मान्यता है NLP की। आगे आने वाले वीडियो में भी आपको काफ़ी सारा मतलब इसमें मिलेगा कि और मान्यता है कौन सी है। आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों को शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।